अन्यंग योरोबोन भंगा वोयो। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे के ड्रामास के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने के ड्रामा एक्टर्स की किस्मत को बदल दिया और रातों रात एक हॉलीवुड स्टार बना दिया। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। फाइट फॉर माई वे 2017 का ये के ड्रामा एक रोमांटिक मेलो ड्रामा है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड 16 है। इस के ड्रामा ने पाक सोजून को रातों रात टॉप एक्टर्स की लिस्ट में पहुंचा दिया। साथ ही ये के ड्रामा 18% टीआरपी के साथ इंटरनेशनली हिट रहा। पिनोकियो 2014 का ये के ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी फैमिली मेलो ड्रामा है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड 20 हैं। ये के ड्रामा ली जोंग सुक का लाइफ चेंजिंग के ड्रामा रहा। इस के ड्रामा को कोरिया के साथ साथ इंटरनेशनली काफ़ी पसंद किया गया और इसकी टीआरपी 20% रही। सीक्रेट गार्डन 2010 का ये सुपरहिट के ड्रामा एक फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड 20 हैं। इस के ड्रामा ने न सिर्फ ह्यून बिन को एक सुपरस्टार बनाया, साथ ही साथ हाजी वॉन को भी रातों रात एक हॉलीवुड स्टार बना दिया। ये के ड्रामा 26% टीआरपी के साथ इंटरनेशनली हिट रहा। कॉफी प्रिंस 2007 का ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है और इसके नंबर ऑफ एपिसोड 17 है। इसके ड्रामा ने ट्रेन टू बुसान और गॉबलिन जैसी सुपरहिट वेब सीरीज करने वाले गोंग यू की किस्मत को बदल दिया। ये गोंग यू का फर्स्ट 25% टीआरपी के साथ इंटरनेशनल हिट के ड्रामा था जिसने उन्हें रातों रात एक हॉलीवुड स्टार बना दिया। इम्प्रेस की 2013 का ये के ड्रामा एक हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड 51 है। ये के ड्रामा एक्शन हीरो के तौर पर पहचान बना चुके जी चेंगबुक की किस्मत बदलने वाला के ड्रामा था जो 25% टीआरपी के साथ इंटरनेशनली हिट रहा। दोस्तों, लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको आगे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फुल हाउस 2004 का ये सुपरहिट के ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड 16 है। यही वो के ड्रामा है जिसने सॉन्ग हेक्यो जैसी सुपरस्टार की किस्मत बदल दी। ये के ड्रामा 38% टीआरपी के साथ इंटरनेशनली हिट रहा। द एयर्स 2013 का ये सुपरहिट के ड्रामा एक रोमांटिक टीन ड्रामा है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड 20 हैं। दोस्तों, यही वो के ड्रामा है जिसने पाक शिन्ये को रातों रात एक हॉलीवुड स्टार बना दिया। इस के ड्रामा की टीआरपी इंटरनेशनली 28% रही। लेकिन ये के ड्रामा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस के ड्रामा ने न सिर्फ पाक शिन्ये को सुपरस्टार बनाया, इसके साथ ही किम बू विन, किम जी वॉन, कैंग मिन ह्यूक, क्रिस्टल जंग, पाक ह्योंग सिक जैसे टैलेंटेड एक्टर्स भी दिए जो आज टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हैं। डिसेंडेंट ऑफ द सन 2016 का ये सुपरहिट के ड्रामा एक रोमांटिक एक्शन मेलो ड्रामा है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड 19 है। सॉन्ग जुंग की किस्मत बदलने वाला अगर कोई शो है तो वो यही है। ये के ड्रामा 41% टीआरपी के साथ इंटरनेशनली हिट रहा। इस के ड्रामा ने रातों रात सॉन्ग जुंग को टॉप एक्टर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। साथ ही ये शो इतना पॉपुलर हुआ कि इसे हिंदी इंग्लिश के साथ साथ 32 अदर लैंग्वेज में डब करना पड़ा। दोस्तों, ये के ड्रामा इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है और मुझे लगता है इसकी पॉपुलैरिटी में इस के ड्रामा की अच्छी क्वालिटी की डबिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। बॉयज़ ओवर स्टार्स 2009 का ये सुपरहिट के ड्रामा एक रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड 25 हैं। दोस्तों, यही वो के ड्रामा है जिसने ली मिनो को रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। ये के ड्रामा 25% टीआरपी के साथ इंटरनेशनली हिट रहा और आज भी के ड्रामा लवर्स की पहली पसंद बना हुआ है। मून एम्ब्रेसिंग द सन 2012 का ये सुपरहिट के ड्रामा एक हिस्टोरिकल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है। इसके नंबर ऑफ एपिसोड 22 हैं। दोस्तों, यही वो के ड्रामा है जिसने किम सो ह्यून को कोरिया का मोस्ट पेड एक्टर बनाया। ये के ड्रामा 2012 में 36% टीआरपी के साथ इंटरनेशनली हिट रहा। साथ ही ये के ड्रामा फिलीपींस में इतना फेमस हुआ कि इसे बिना किसी कमर्शियल एड के दिखाया गया।
इसके साथ ही ये पहला कोरियन ड्रामा था जो किसी भी कंट्री में बिना किसी कमर्शियल एड के दिखाया गया। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे नेशनल ड्रामा स्टेटस भी दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, तमे तो बायो।